नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी की इस लेक्चर सीरीज में सर्वप्रथम हम फॉर्मल लैंग्वेजेस के बेसिक्स सीखेंगे। आइए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या-क्या सीखेंगे। सर्वप्रथम हम फॉर्मल लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे। अल्फाबेट तथा लैंग्वेज के वर्ड्स अथवा सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। लैंग्वेजेज में विभिन्न ऑपरेशंस का प्रयोग सीखेंगे। अंत में फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के बारे में सीखेंगे। फॉर्मल लैंग्वेजेज। लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, जो कि लेटर्स के एक सेट तथा इन लेटर्स से शब्द अथवा वाक्य बनाने के नियमों पर आधारित होती है। कंप्यूटर विज्ञान में हम कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का उपयोग करते हैं। प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंबल्स और वाक्य विन्यास नियमों का अपना एक सेट होता है। इन लैंग्वेजेज को फॉर्मल लैंग्वेजेज कहा जाता है। अल्फाबेट। अल्फाबेट सिंबल्स का एक नॉन एम्प्टी सेट है। हम अल्फाबेट को प्रदर्शित करने के लिए सिंबल सिग्मा का प्रयोग करते हैं। अल्फाबेट के एलिमेंट्स को लेटर्स भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए सिग्मा इक्वल टू ए बी सी या 0,1। वर्ड और स्ट्रिंग। एक वर्ड अथवा स्ट्रिंग अल्फाबेट के एलिमेंट्स का एक सुनिश्चित क्रम है। यदि सिग्मा इक्वल टू ए बी सी हो तो ए बी बी सी, ए सी बी ए तथा ए बी ए अल्फाबेट सिग्मा पर वर्ड्स होंगे। लेंथ ऑफ ए वर्ड। किसी शब्द डब्ल्यू में सिंबल्स की संख्या को वर्ड डब्ल्यू की लेंथ कहा जाता है तथा इसे मॉडुलस डब्ल्यू द्वारा दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए डब्ल्यू इक्वल टू ए बी बी सी की लेंथ 4 है। ऐसा शब्द जिसमें कोई भी सिंबल नहीं हो, अर्थात मॉडुलस डब्ल्यू इक्वल टू 0, तो उसे एम्प्टी कहा जाता है तथा इसे लैम्डा से दिखाया जाता है। कॉन्केटनेशन ऑफ टू वर्ड्स। दो वर्ड्स यू तथा वी का कॉन्केटनेशन, नया वर्ड यू वी होता है जो यू तथा वी को एक के बाद एक लिखने पर प्राप्त होता है। यदि यू इक्वल टू ए बी बी सी तथा वी इक्वल टू बी ए सी हो तो यू बी इक्वल टू ए बी बी सी बी ए सी होगा। रिवर्स ऑफ ए वर्ड। किसी वर्ड डब्ल्यू का रिवर्स उसके लेटर्स को विपरीत क्रम में लिखने से प्राप्त होता है तथा इसे हम डब्ल्यू इनवर्स अथवा डब्ल्यू आर, आर जो कि सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इससे दिखाते हैं। यदि डब्ल्यू इक्वल टू ए बी बी हो तो डब्ल्यू इनवर्स इक्वल टू बी बी ए होगा। क्लीनी क्लोजर। यदि सिग्मा एक अल्फाबेट हो तो सिग्मा स्टार सिग्मा द्वारा बनने वाले सभी वर्ड्स का सेट होता है जिसमें एम्प्टी वर्ड भी शामिल होता है। ऑपरेटर स्टार को क्लीनी क्लोजर कहते हैं। पॉजिटिव क्लोजर। यदि हम सिग्मा स्टार में से एम्प्टी वर्ड को हटा दें तो हमारे पास सिग्मा द्वारा बनने वाले सभी वर्ड्स जिनमें से कोई भी एम्प्टी वर्ड नहीं हो का सेट मिलता है जिसे हम सिग्मा प्लस से दिखाते हैं। इसे पॉजिटिव क्लोजर कहते हैं। अतः सिग्मा स्टार इक्वल टू सिग्मा प्लस यूनियन लैम्डा होगा। हम सिग्मा के सिंबल का प्रयोग सिग्मा द्वारा बनने वाले के लेंथ के वर्ड्स के सेट को दिखाने के लिए करते हैं। यदि सिग्मा इक्वल टू ए बी हो तो सिग्मा स्क्वायर ए बी कॉमा बी ए ए बी बी अर्थात लेंथ 2 के सभी वर्ड्स। अतः सिग्मा स्टार इक्वल टू सिग्मा 0 यूनियन सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो यूनियन सिग्मा के प्लस 1 होगा।
होगा। लैंग्वेज, किसी दिए हुए अल्फाबेट सिग्मा पर कोई लैंग्वेज सिग्मा स्टार का सबसेट होती है। यदि सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी हो तो सेट ए कॉमा ए ए ए ए ए कॉमा ए ए ए ए एक लैंग्वेज को प्रदर्शित करता है। क्योंकि इस लैंग्वेज में सीमित संख्या में वर्ड्स हैं, अतः यह एक फाइनाइट लैंग्वेज है। सिग्मा स्टार भी अपने आप में एक लैंग्वेज है। ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेजेज, कोई लैंग्वेज मूल रूप से वर्ड्स का एक सेट है, अतः सेट ऑपरेशंस जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट आदि को लैंग्वेजेस के सेट्स में भी परिभाषित किया जा सकता है। यूनियन, यदि सिग्मा कोई अल्फाबेट हो तथा L1 व L2 सिग्मा पर कोई दो लैंग्वेजेज हों, तो L1 तथा L2 का यूनियन L1 यूनियन L2 इक्वल टू W, सच दैट W बिलोंग्स टू L1 और W बिलोंग्स टू L2 होगा। उदाहरण के लिए, यदि सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी हो, L1 इक्वल टू ए एन बी सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तथा L2 ए बी एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो L1 यूनियन L2 इक्वल टू W सच दैट W इक्वल टू ए एन बी और ए बी एन जहाँ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इंटरसेक्शन, यदि सिग्मा कोई अल्फाबेट हो तथा L1 व L2 सिग्मा पर कोई दो लैंग्वेजेज हों, तो L1 तथा L2 का इंटरसेक्शन L1 इंटरसेक्शन L2 इक्वल टू W सच दैट W बिलोंग्स टू L1 एंड W बिलोंग्स टू L2 होगा। पूर्व के उदाहरण को यदि लें, जहां सिग्मा इक्वल टू ए बी, L1 इक्वल टू ए एन बी सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तथा L2 इक्वल टू ए बी एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो L1 इक्वल टू ए बी कॉमा ए स्क्वायर बी कॉमा इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे तथा L2 इक्वल टू ए बी कॉमा ए बी स्क्वायर कॉमा आगे इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अतः L1 इंटरसेक्शन L2 इक्वल टू ए बी यह होगा। डिफरेंस, यदि सिग्मा कोई अल्फाबेट हो तथा L1 व L2 सिग्मा पर कोई दो लैंग्वेजेज हों, तो L1 माइनस L2 इक्वल टू W सच दैट W बिलोंग्स टू L1 एंड W डज नॉट बिलोंग टू L2 होगा। पूर्व के उदाहरण को यदि लें, जहां सिग्मा इक्वल टू ए बी, L1 इक्वल टू ए एन बी सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अर्थात L1 इक्वल टू ए बी कॉमा ए स्क्वायर बी कॉमा अप टू सो ऑन तथा L2 इक्वल टू ए बी एन सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अर्थात L2 इक्वल टू ए बी कॉमा ए बी स्क्वायर कॉमा अप टू सो ऑन हो, तो L1 माइनस L2 इक्वल टू ए एन बी सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। कॉम्प्लीमेंट, यदि सिग्मा कोई अल्फाबेट हो तथा L सिग्मा पर कोई लैंग्वेज हो, तो L का कॉम्प्लीमेंट LC इक्वल टू सिग्मा स्टार माइनस L होगा। उदाहरण के लिए, यदि सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी तथा L इक्वल टू W सच दैट लेंथ ऑफ W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ LC इक्वल टू सिग्मा स्टार माइनस L अर्थात उन सारे वर्ड्स का सेट जिनकी लेंथ 2 से कम हो, अर्थात LC इक्वल टू लैम्डा कॉमा ए कॉमा बी होगा। कुछ अन्य लैंग्वेजेस के ऑपरेशंस इस प्रकार से हैं। रिवर्स ऑफ ए लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज L का रिवर्स LR से लिखा जाता है तथा यह L के सभी वर्ड्स को विपरीत क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि L इक्वल टू ए एन बी एन सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो LR इक्वल टू बी एन ए एन सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा।
कॉन्कैटेनेशन ऑफ लैंग्वेजेज, दो लैंग्वेजेज L1 तथा L2 का कॉन्कैटेनेशन L1 तथा L2 के वर्ड्स का कॉन्कैटेनेशन करने से प्राप्त होता है। इसे हम इस तरह परिभाषित करते हैं, L1 L2 इक्वल टू UV सच दैट U बिलोंग्स टू L1 एंड V बिलोंग्स टू L2। उदाहरण के लिए यदि L1 इक्वल टू A, AB तथा L2 इक्वल टू B, BA हो तो L1 L2 इक्वल टू AB, ABA, ABB, ABBA होगा। स्टार क्लोजर ऑफ ए लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज L का स्टार क्लोजर L स्टार से दिखाया जाता है तथा यह L स्टार इक्वल टू L0 यूनियन L1 यूनियन L2 यूनियन अप टू LK यूनियन LK+1 होता है। उदाहरण के लिए यदि L इक्वल टू A हो तो L0 इक्वल टू लैम्डा, L1 इक्वल टू A, L2 इक्वल टू L.L A² तथा इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे और L0, L1, L2 इन सभी का यूनियन लेने पर हमें L स्टार मिलता है। अतः यहाँ पर L स्टार इक्वल टू लैम्डा, A, A² एंड अप टू सो ऑन अर्थात AN सच दैट N ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रामर ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेज, ग्रामर का उपयोग किसी लैंग्वेज के सेंटेंसेस को जेनरेट करने और यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई दिया गया सेंटेंस उस लैंग्वेज में है अथवा नहीं। आइए इंग्लिश लैंग्वेज का एक वाक्य देखते हैं, द बॉय वॉक्स स्लोली। हम इस सेंटेंस की ग्रामर इस तरह से लिख सकते हैं, सेंटेंस को हम नाउन फ्रेज एम वर्ब फ्रेज के कॉन्कैटेनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। नाउन फ्रेज को हम आर्टिकल एवं नाउन के कॉन्कैटेनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। वर्ब फ्रेज को हम वर्ब एवं एडवर्ब के कॉन्कैटेनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। आर्टिकल को द से, नाउन को बॉय से, वर्ब को वॉक से तथा एडवर्ब को स्लोली से रिप्लेस कर सकते हैं। सेंटेंस को इस तरह से डिराइव किया जा सकता है, सेंटेंस से स्टार्ट करते हुए दी गई ग्रामर के रूल्स को प्रयोग करते हुए हमने द बॉय वॉक्स स्लोली को डिराइव किया। यदि यहाँ पर ग्रामर में नाउन को बॉय अथवा गर्ल से तथा वर्ब को वॉक्स अथवा रन से रिप्लेस किया जा सकता हो तो निम्न सेंटेंसेस भी डिराइव किए जा सकते हैं, द बॉय रन्स स्लोली, द गर्ल वॉक्स स्लोली, द गर्ल रन्स स्लोली। यहाँ पर द, गर्ल, बॉय, रन्स, वॉक्स तथा स्लोली कॉन्स्टेंट्स हैं जिन्हें हम टर्मिनल कहते हैं तथा ब्रैकेट के भीतर लिखे हुए नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, नाउन, आर्टिकल आदि वेरिएबल्स हैं जिनकी एक से अधिक वैल्यूज संभव हैं, इनको हम नॉन टर्मिनल कहते हैं। किसी लैंग्वेज L की ग्रामर को हम चार टपल्स GVTSP के सेट के रूप में परिभाषित करते हैं, जहां V वेरिएबल्स का फाइनाइट सेट है जिसे नॉन टर्मिनल कहा जाता है, T कॉन्स्टेंट्स का एक फाइनाइट सेट है जिसे टर्मिनल कहा जाता है, S एक विशेष सिंबल है जिसे स्टार्टिंग वेरिएबल कहा जाता है, P प्रोडक्शंस का एक फाइनाइट सेट है, V और T नॉन एम्प्टी डिजॉइंट सेट हैं। फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर, ग्रामर GVTSP फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर कहलाती है। यदि सेट P में प्रोडक्शंस की फॉर्म X रिप्लेस्ड बाय Y हो, जहां पर X V यूनियन T प्लस का तथा Y V यूनियन T स्टार का कोई एलिमेंट हो, प्रोडक्शन X रिप्लेस्ड बाय Y दिखाता है कि किसी भी स्ट्रिंग U जिसमें X है, X को दूसरी स्ट्रिंग उत्पन्न करने के लिए Y द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए यदि U इक्वल टू ए एक्स बी हो तो दिया हुआ प्रोडक्शन प्रयोग करने पर हमें एक नई स्ट्रिंग V इक्वल टू ए वाई बी मिलती है। इस डेरिवेशन को हम दिखाए गए तरीके के अनुसार U डिराइव्स V लिखते हैं। यदि W1 से प्रारंभ करते हुए कई अनिर्धारित स्टेप्स के बाद हमें Wn मिलता हो अर्थात W1 derives W2 and up to so on this derives Wn minus 1 and finally Wn, तो हमें दिखाए गए तरीके के अनुसार डबल एरो स्टार के साथ जो लिखा गया है W1 डबल एरो स्टार के साथ Wn लिखते हैं। किसी भी दी हुई लैंग्वेज L तथा वर्ड W के लिए यदि वर्ड W S से डिराइव हो सके तो वर्ड W लैंग्वेज L में होता है अन्यथा L में नहीं होता है। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। दिए गए उदाहरण में सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी, हमें लैंग्वेज L इक्वल टू ए एन सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की ग्रामर लिखनी है। माना कि एल जी इक्वल टू वी टी एस पी, यहाँ हम v इक्वल टू एस लेते हैं, t इक्वल टू ए कॉमा बी है तथा p के प्रोडक्शंस इस प्रकार से हैं s रिप्लेस्ड बाय ए एस, एस रिप्लेस्ड बाय लैम्डा। वर्ड ए क्यूब को हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं s डिराइव्स ए एस, डिराइव्स ए ए एस, डिराइव्स ए ए ए एस, derives a a a lambda and finally this is a a a। एक नया उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर sigma equal to a comma b, हमें लैंग्वेज l equal to a n b n such that n greater than equal to zero की ग्रामर लिखनी है। माना कि l g equal to v t s p, यहाँ हम v equal to s लेते हैं, t इक्वल टू ए कॉमा बी तथा p के प्रोडक्शंस इस प्रकार से हैं s रिप्लेस्ड बाय a s b, s रिप्लेस्ड बाय लैम्डा। वर्ड ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं s डिराइव्स a s b, डिराइव्स a a s b b, डिराइव्स a a लैम्डा b b और यह ए ए बी बी के इक्वल होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी, हमें लैंग्वेज एल इक्वल टू ए एम बी एन सच दैट एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की ग्रामर लिखनी है। माना कि एल जी इक्वल टू वी टी एस पी, यहाँ हम वी इक्वल टू एस कॉमा ए कॉमा बी लेते हैं, टी इक्वल टू ए बी तथा P के प्रोडक्शंस इस प्रकार से हैं S replaced by AB, A replaced by small a, B replaced by small b capital B, capital A replaced by lambda, capital B replaced by lambda। वर्ड ए क्यूब बी स्क्वायर को हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं S derives capital AB, derives small a capital A, स्मॉल बी कैपिटल बी और फाइनली इसी तरह से आगे बढ़ते रहने पर हम ए ए ए बी बी को डिराइव कर रहे हैं। किसी लैंग्वेज की ग्रामर लिखते समय हमें यह ध्यान रखना है कि ग्रामर के द्वारा लैंग्वेजेज के सभी वर्ड्स जनरेट हो रहे हों तथा लैंग्वेज से बाहर का कोई भी वर्ड जनरेट नहीं हो रहा हो। ग्रामर पे नॉन टर्मिनल्स कितने लेने हैं यह हमारी चॉइस है, जितनी हमें आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें ले सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी दी हुई लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिख सकते हैं। इस लेक्चर में हमने फॉर्मल लैंग्वेज के बेसिक्स, अल्फाबेट, लैंग्वेज, लैंग्वेज के विभिन्न ऑपरेशंस तथा ग्रामर सीखी। अगले लेक्चर में हम फाइनाइट ऑटोमेटा सीखेंगे। धन्यवाद।